वेलकम बैक टू प्रोबुल्स, दिस इज सागर। दोस्तों ये हमारे फॉरेक्स सीरीज का थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है और आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड वीडियो में हमने बात की थी फॉरेक्स मार्केट के टाइमिंग के बारे में, फॉरेक्स सेशंस और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है वो मैंने आपको बताया था। और ये हमारे फॉरेक्स सीरीज का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉट साइज के बारे में। फॉरेक्स में लॉट साइज का मतलब क्या होता है, लॉट साइज कितने प्रकार की होती है, किस लॉट साइज के लिए कितना मार्जिन लगेगा और आपको ट्रेडिंग के लिए लॉट साइज कितनी लेनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोज में अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं फॉरेक्स में लॉट साइज का मतलब क्या है। जिस तरीके से हम शेयर मार्केट में शेयर्स बाय कर सकते हैं, 50 शेयर्स, 100 शेयर्स, 120 शेयर्स, वैसे हम फॉरेक्स में क्वांटिटी में करेंसीज बाय नहीं कर सकते, मतलब $50, $100, 120 यूरो इस तरीके से हम बाय नहीं कर सकते हैं। जब भी हम फॉरेक्स में ट्रेड लगाते हैं तो वो लॉट में लगता है। एक स्टैंडर्ड लॉट में होते हैं 100,000 यूनिट्स ऑफ बेस करेंसी। बेस करेंसी मतलब जो भी करेंसी हम बाय कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसडी INR में हम ट्रेड कर रहे हैं तो यूएसडी बेस करेंसी है और INR कोट करेंसी है। तो अगर हम यूएसडी INR का एक लॉट लेते हैं तो उसमें हम $100,000 बाय कर रहे हैं। अगर हम एक लॉट यूरो यूएसडी बाय कर रहे हैं मतलब हम 100,000 यूरो बाय कर रहे हैं। मतलब जब भी हम कोई ट्रेड लगाते हैं और एक लॉट ले रहे हैं तो हम 100,000 यूनिट्स बाय कर रहे हैं या 100,000 यूनिट्स सेल कर रहे हैं बेस करेंसी के। तो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम बेस करेंसी यूएसडी मान के चलते हैं। तो दोस्तों लॉट साइज चार प्रकार की होती है, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट और नैनो लॉट। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर नैनो लॉट नहीं होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट होता है। तो दोस्तों एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब $100,000, एक मिनी लॉट मतलब $10,000, एक माइक्रो लॉट मतलब $1,000 और एक नैनो लॉट मतलब $100। जब हम ट्रेड लगाते हैं और हमें स्टैंडर्ड लॉट लेना है तो हम लॉट साइज लेंगे 1। अगर हमें मिनी लॉट लेना है तो हम 0.1 लॉट लेंगे। अगर हमें माइक्रो लॉट लेना है तो हम 0.01 लॉट लेंगे। और अगर हमें नैनो लॉट लेना है तो हम 0.001 लॉट लेंगे। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर हो तो आप माइक्रो लॉट में ही ट्रेड करें, मतलब 0.01। जैसे जैसे आपके ट्रेड्स प्रॉफिट में होने लगेंगे तो आप माइक्रो लॉट्स बढ़ा सकते हो, 0.02, 0.03, 0.04। जब आप एडवांस लेवल पे आ जाओगे तब आप मिनी लॉट ले सकते हो, मतलब 0.1। जब आपको लगे कि आपका विनिंग रेट अच्छा है और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाए तब आप मिनी लॉट बढ़ा सकते हो, मतलब 0.2, 0.3, 0.5। और जब आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाओगे तब आप स्टैंडर्ड लॉट से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्टैंडर्ड लॉट लेते हो, मिनी लॉट लेते हो या माइक्रो लॉट लेते हो तो पर पीप आपको कितना प्रॉफिट होता है। पिप क्या होता है, पिप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने इस सीरीज़ के अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं तो आपको एक पिप प्रॉफिट में $10 का प्रॉफिट होता है। एक मिनी लॉट में एक पिप पे आपको $1 का प्रॉफिट होता है। एक माइक्रो लॉट में एक पिप पे आपको $0.1 का प्रॉफिट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा लॉट लेने के लिए आपको कितना मार्जिन लगेगा। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके लीवरेज पे, आपने कितना लीवरेज लिया है, 1:100, 1:200, 1:500 या 1:800। सपोज आपका लीवरेज 1:200 है तो एक स्टैंडर्ड लॉट के लिए आपको $500 मार्जिन लगेगा। एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब $100,000, आपका $500 मार्जिन और 200 गुना लीवरेज तो वो हो जाता है $100,000। एक मिनी लॉट के लिए आपको $50 मार्जिन लगेगा, एक माइक्रो लॉट के लिए आपको $5 मार्जिन लगेगा और एक नैनो लॉट के लिए आपको $0.5 मार्जिन लगेगा। और अगर आप लीवरेज 1:500 लेते हैं तो आपको इस तरीके से मार्जिन लगता है जो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज कितने प्रकार की है और ट्रेडिंग में आपको लॉट साइज कितनी लेनी है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और जो भी फ्रेंड आपका फॉरेक्स के बारे में सीखना चाहता है उसे आप ये फॉरेक्स सीरीज के बारे में जरूर बताइए और उन्हें व्हाट्सअप पर ये शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। इन दिस वर्ड्स साइनिंग आउट सागर।